कंपनी वाला क्या करता है, हमारा वीडियो को डाउनलोड बना के पूरा फेक वाला, मतलब हमारा जो वीडियो को डाउनलोड बना के नीचे 499 के छोड़ देता है। लेकिन कभी भी मत फंसना, क्योंकि जानकारी लेना है हमारा जो नंबर है 9741001627, ये नंबर पे कॉल करो, मैं खुद ही डायरेक्ट मिलता हूँ। वीडियो कॉल करो, जानकारी लेके लिए मुझसे, आपको ओरिजिनल तेल मिलेगा। आधा लीटर 1500 का है, एक लीटर लेगा तो 2500 में आएगा। अच्छा वाला ओरिजिनल चाहिए आपको, बिल्कुल भी जो सस्ता बोल के कभी भी मत फंसना, जो सस्ता बोल के 499-399 जो हमारा वाला तेल नहीं है। कर्नाटक मैसूर आदिवासी कहाँ है वो उधर ही मिल जाता है। आप खुद ही आपको चाहिए डायरेक्ट कॉल करो, डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर नंबर भी है हमारा, वो नंबर पे फोन करो, आपको डायरेक्ट आपको यही तेल ओरिजिनल मिलेगा। नमस्कार। नमस्ते। देखो आदिवासी का तेल बोलने से ऐसा आता है, आदिवासी का तेल देखो 108 जड़ी बूटी हम खुद डाल के खुद पका के हदा करके निकालते हैं, तो ये नेचुरल कलर होता है। देखो तेल का नेचुरल कलर होता है, एक घर का होम प्रोडक्ट होता है, इसमें कोई तरह का साइड इफेक्ट, कोई तरह का रिएक्शन कुछ नहीं होता है। ये नेचुरल घर में पका के हदा करके निकालने का तेल होता है, जो बालों का कितना भी परेशानी है वो खत्म कर देगा। और जानते हो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि असली आदिवासी ऑयल आखिर है कौन सा, क्योंकि फेसबुक देखिए या इंस्टाग्राम देखिए या फिर आप अगर यूट्यूब देखते हैं तो आदिवासी तेल के बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि ये आदिवासी ऑयल असली है, और अलग अलग नंबर्स दिए जाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आखिर असली तेल है कौन सा, हम ले तो कौन सा ले, इन्वेस्ट तो हम एक बार करना चाहते हैं लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ से ले असली आदिवासी तेल, हमें कोई तो बताए कि आखिर ओरिजिनल आदिवासी ऑयल असली आदिवासी तेल कौन सा है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बातों पर विश्वास करके, मेरी वीडियोस को देख करके आप लोगों ने आदिवासी तेल मंगवाया, उसका इस्तेमाल किया, और आप सबको जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो आप लोगों ने उसे दोबारा भी ऑर्डर किया। और जानते हैं क्या हुआ है, आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है। आपको देना है ओरिजिनल देना है, दूसरा दूसरा जल्दी से मुझे फोन करो, फोन करके आओ, इधर के दस रुपये सवाल हो आ जाएगा। हाय दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ ज्योति और स्वागत करती हूँ आपका ग्लैम पेटल्स में। दोस्तों लगभग पिछले 2 महीने से मैं आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, और उसके क्या रिजल्ट्स मिले हैं आज मैं आप सबके साथ यही शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी वो पिछली वीडियोस देखी है ना उन्हें रिव्यूज जानना है, मतलब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि अगर आपने भी आदिवासी तेल का इस्तेमाल किया है तो हमें बताइए कि क्या वाकई में ये असरदार है, कि क्या वाकई में आदिवासी लोग अपना तेल बेचते वक्त जो सारी बातें कहते हैं वो सच है, बालों की लंबाई बढ़ती है, क्या सच में आदिवासी तेल के इस्तेमाल से बालों का झड़ना रुक जाता है, बालों की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो आज इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको आदिवासी तेल के लिए और कोई वीडियो सर्च नहीं करनी होगी, आपके सभी सवालों के जवाब आपको आज इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो मैंने भी आदिवासी तेल का इस्तेमाल पिछले 2 महीने से शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हेयर प्रॉब्लम्स हो रही थी, मेरे बालों का झड़ना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था मैंने अपना घर शिफ्ट किया था, तो उस वक्त मैं अपने बालों की केयर बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी। मैं होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ जिसकी वजह से मैं अपने बालों को बचा पाती हूँ, क्योंकि आज के टाइम में जैसा हमारा खाना पीना है, जैसा हमारा रहन सहन है, उसकी वजह से हमारे बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, और उम्र से पहले बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होने लगते हैं। तो इसके लिए हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो इन सारी प्रॉब्लम से हमें छुटकारा दिला सके। तो बहुत कुछ ढूंढने के बाद ना मुझे भी आदिवासी तेल के बारे में पता चला, और मैंने आदिवासी तेल मंगवाया ऑनलाइन, लेकिन मेरे साथ हो गया बहुत बड़ा मोए मोए, मतलब वो जो आदिवासी तेल मैंने मंगवाया था ना वो फेक निकला, लेकिन वो तेल इतनी तेज़ी से बिक रहा है ना, हर दूसरा बंदा वो तेल ले रहा है और लेने के बाद पछता रहा है। और कितने लोग तो मेरी वीडियोस में आते हैं, वो वाली वीडियो देखने के बाद उनके कमेंट्स आते हैं कि हमने आपकी वीडियो बहुत लेट से देखी, काश हम ये वीडियो पहले देख लेते। और पता है कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट आया, कोई लड़का था, वो मुझे लिखता है कि दीदी
आपकी ये वीडियो मैं अपनी सिस्टर को दिखा रहा हूँ जिसने अभी अभी यही वाला आदिवासी ऑयल रिसीव किया है, मतलब उसको समझ में आ चुका है कि उसने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। तो ऐसा सिर्फ एक के साथ नहीं हुआ है, बहुतों के साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी फेक आदिवासी ऑयल मंगवा लिया था, लेकिन अब मुझे असली आदिवासी ऑयल के बारे में पता चल चुका है। और कितने सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं, जैसा कि मेरे मन में भी आता था, कि असली आदिवासी ऑयल आखिर है कौन सा? क्योंकि फेसबुक देखिए या इंस्टाग्राम देखिए या फिर आप अगर यूट्यूब देखते हैं तो आदिवासी तेल के बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि ये आदिवासी ऑयल असली है, और अलग अलग नंबर्स दिए जाते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आखिर असली तेल है कौन सा, हम ले तो कौन सा ले, इन्वेस्ट तो हम एक बार करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ से ले असली आदिवासी तेल? हमें कोई तो बताए कि आखिर ओरिजिनल आदिवासी ऑयल, असली आदिवासी तेल कौन सा है। तो देखिए, ये कन्फ्यूजन सबको होता है, मुझे भी हुआ था, जिसकी वजह से एक बार मैंने फेक आदिवासी तेल भी मंगवा लिया था, नुकसान मेरा भी बहुत ज़्यादा हुआ था। उसके बाद मुझे तलाश थी असली आदिवासी तेल की, फिर हमारे यहाँ एक ट्रेड फेयर आया जहाँ पर आदिवासी तेल का एक स्टॉल लगा था, तो मैं वहाँ पर गई, उनके साथ मैं पर्सनली मिली और बहुत सारी बातें की, बहुत सारे सवाल पूछे, जिसकी वीडियो आप सबके साथ मैंने शेयर की हुई है, जिसे आप सबने बहुत प्यार भी किया है। तो उन आदिवासी लोगों के साथ मैंने बात करने के बाद काफ़ी डरते डरते ना एक आदिवासी तेल लिया और उसका इस्तेमाल शुरू किया, मैंने भी शुरू किया और मैंने अपने साथ साथ बहुतों को भी वो तेल दिलवाया कि आप लोग भी स्टार्ट कीजिए। तो मेरे साथ साथ उन सभी लोगों ने भी वो तेल लिया और उस तेल के इस्तेमाल से मुझे और मेरे साथ साथ जिन लोगों ने भी वो तेल लिया ना, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलना शुरू हो गए। मैं आप सबके साथ आगे रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी, उनकी जो बातें हैं वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो इन्होंने भी आदिवासी तेल का इस्तेमाल किया है, कैसा लगा इनको, इन्हीं से जानते हैं। इनके वालों पर आपने इस्तेमाल किया था, कैसा आपको रिजल्ट मिला? बहुत अच्छे, इसके ग्रे हेयर हो गया, थोड़ा कम हो गया, सामने हेयर ग्रो भी हो रहा है, पीछे ज़्यादा भी नहीं लगाया, बहुत लंबा हो गया, ग्रे हेयर भी थे क्या? ग्रे हेयर थे, वो कवर हो गया। अच्छा, कितने दिन यूज़ किया आपने अभी तक? महीना में 2-3 दिन यूज किया, सिर्फ मंथ में 2-3 बार ही यूज़ किया, उसमें आपको रिजल्ट मिल गया? आए तो देखिए, ग्रो थोड़ा दिखा, यहाँ से देखिए बेबी हेयर आ रहे हैं ना, बेबी हेयर। तो इनको तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, इन्होंने भी ज़्यादा यूज़ किया भी नहीं है, सिर्फ 1 महीने यूज़ किया, उसमें भी 3-4 बार ही इस्तेमाल किया है। तो अब इनके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, नए बाल आ रहे हैं और ग्रे हेयर में भी इनको काफ़ी आराम मिला है। आप खुश है ना आदिवासी तेल? बहुत खुश हूं। तो यूं ही मैंने फट से यकीन नहीं किया है, मैंने पहले उनके साथ बातचीत की, उनके तेल के बारे में काफ़ी बातें जानी, उसके बाद मैंने इस तेल का इस्तेमाल शुरू किया और जब मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले, मेरे बालों का झड़ना रुक गया, बालों की ग्रोथ शुरू हो गई, उसके बाद ही मैं ये फाइनल आप लोगों को बताने के लिए आज आई हूँ कि मैंने जो आदिवासी ऑयल इस्तेमाल किया था, शशि आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल, उसके मुझे क्या रिजल्ट्स मिले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी अपने बाल, कि मेरे बालों का झड़ना सच में रुक गया है, बालों की ग्रोथ सच में शुरू हो गई है। लेकिन साथ ही साथ कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आदिवासी लोग जिनके अपने बाल इतने काले, घने और लंबे होते हैं ना, उनका खाना पीना हमारे खाने पीने से बहुत अलग है। वो लोग रहते हैं एक गांव में, उनकी एक कम्युनिटी है, वहाँ पर इतना ज़्यादा जंक फूड नहीं चलता, इतना ज़्यादा फास्ट फूड नहीं चलता, ऑयली खाना नहीं खाते वो लोग, तो उनका खाना पीना बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से उनके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और क्योंकि हमारा खाना पीना उतना सही नहीं है, तो हमें इस तेल का असर होने में उनसे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो अगर आप भी आदिवासी तेल का इस्तेमाल या किसी भी तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपने खाने पीने को सही रखना बहुत ज़रूरी है, अपनी डाइट को बिल्कुल सही रखें और हाँ, अपने बालों की बहुत ज़्यादा केयर भी करें। मुझे तो ये आदिवासी ऑयल बहुत ज़्यादा सूट किया, बहुत पसंद आया, मेरे बालों का झड़ना रुक गया है, मेरे बालों की ग्रोथ शुरू हो गई है, बाल घने होना शुरू हो गए हैं। तो थोड़ा सा सब्र तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आज आपने आदिवासी तेल का इस्तेमाल शुरू किया और कल से ही आपकी सारी बालों से जुड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आदिवासी तेल का इस्तेमाल आप करते रहिए, हफ्ते में 3 बार इसका इस्तेमाल कीजिए, जैसा उन्होंने बताया है मेरी पिछली वीडियोस में, उन्होंने पूरी बातें क्लियरली बताई है कि किस तरह से आपको आदिवासी तेल का इस्तेमाल करना है। शुरुआत में हफ्ते में 3 दिन इस तेल का इस्तेमाल कीजिए और धीरे धीरे आप इसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं। और
रोजमेरी लीव्स का इस्तेमाल कीजिए, रोजमेरी लीव्स आपके बालों में जान भर देगा, सच कहती हूँ। उसकी भी वीडियोस मैंने आप सबके साथ शेयर की हुई है कि कैसे आप रोजमेरी स्प्रे बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत अलग अलग तरीके से कैसे आप कर सकते हैं, तो वो सारी वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। मैं सभी के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे ना तो आपको आदिवासी ऑयल सूट करेगा 100%, जैसा कि मुझे सूट कर गया है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अनकेयर करते हैं या सिर्फ आदिवासी तेल के भरोसे रहते हैं तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप सब ने मुझ पे इतना ज़्यादा भरोसा दिखाया, मेरी बातों पर भरोसा करके आप लोगों ने ये आदिवासी तेल मंगवाया, जिसकी वजह से इनके आदिवासी तेल आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहे हैं। मतलब एक तो भरोसा, उसके ऊपर जब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले ना, तो आप लोग दोबारा इसे मंगवा रहे हैं। मतलब चार चार पाँच पाँच बॉटल्स का ऑर्डर कर रहे हैं सभी लोग। क्या हो रहा है पता है, इनका स्टॉल खुलने से पहले से वहाँ इतनी लंबी लाइन लग जा रही है, इतनी भीड़ हो जा रही है, और जैसे ये लोग आ रहे हैं ना, मतलब भीड़ को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है। लोग आदिवासी तेल लेने के लिए एकदम से टूट पड़े हैं, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि असली आदिवासी ऑयल कौन सा है। लोग आधा आधा घंटा, एक एक घंटा इंतज़ार कर रहे हैं, उनका तेल वापस से स्टॉक में आ रहा है, उसके बाद लोग उसे लेकर के खुशी खुशी घर वापस लौट रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कितने लोग असली आदिवासी तेल बेच रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये जो तेल है ना, ये असली है, क्योंकि इनसे मैं मिली हूँ पर्सनली। मैं सभी के साथ नहीं मिली हूँ, सबके साथ मिलना पॉसिबल नहीं है। इन लोगों के साथ मैं पर्सनली मिली, आदिवासी तेल के बारे में पूरी जानकारी ली, उसका इस्तेमाल मैंने किया, उसके फ़ायदे जब मुझे मिले ना, तो मैं आप सबके साथ अपने रिव्यू शेयर करने के लिए आई हूँ कि हाँ, ये आदिवासी तेल बिल्कुल असली है। और भी बहुत सारे लोग असली आदिवासी तेल बेचते हैं, लेकिन उनको मैं नहीं जानती, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कह सकती। सिर्फ मैं इनके बारे में ये कह सकती हूँ कि हाँ, ये लोग असली आदिवासी तेल बेचते हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं कि इतने सारे वीडियोज़ हैं, कोई कहता है ये असली है, कोई कहता है वो असली है, हम कौन सा आदिवासी तेल लें, हम किस पे भरोसा करें। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं जानती कि कितने लोग असली आदिवासी तेल बेच रहे हैं, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ पूरे भरोसे के साथ कि ये जो आदिवासी तेल है ना, शशि आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल, ये असली है। तो भरोसा करके आप इसे ले सकते हैं। रिव्यूज़ मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिए हैं कि मुझे ये आदिवासी तेल पर्सनली बहुत पसंद आया, मुझे सूट किया है, क्योंकि मैंने इस तेल के इस्तेमाल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों पे भी ध्यान दिया। तो अगर आप भी आदिवासी तेल लेना चाहते हैं तो लीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन साथ साथ कुछ बातों का भी ख्याल रखिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई हो तो पता है ना क्या करना है, जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर देना है अपनी सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक बराबर पहुँचती रहे। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।